ऑफ द डे स्टूडेंट्स, आज जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 है, वर्ब्स सिंगुलर एंड प्लूरल। वर्ब्स भी दो तरह की होती है, एक होती है सिंगुलर और प्लूरल। बेटा, वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, जो काम करने का वो होता है, एक्शन होता है, क्रिया होती है। इसके अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, इसके अंदर आपका राइटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, फाइटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इसी में आती है। देखो, रीड दी सेंटेंसेस। द चाइल्ड लाफ एट द क्लाउन। चाइल्ड सिंगुलर है तो इस पर एस लगा, लाफ्स। एट द क्लाउन किस पे हंसा चाइल्ड? क्लाउन पे। द चिल्ड्रन लाफ एट द क्लाउन। चिल्ड्रन प्लूरल हो गए तो यहाँ से एस हट गया, तो चिल्ड्रन किस पे हंसे? क्लाउन पे हंसे। द वर्ब इन सेंटेंस लाफ्स इज अ सिंगुलर वर्ब। जो लाफ है, लाफ्स है, वो सिंगुलर वर्ब है। बिकॉज द सब्जेक्ट चाइल्ड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि जो चाइल्ड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकेंड के अंदर चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसका जो लाफ है वो प्लूरल वर्ब है। क्लियर? एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, एंड द सब्जेक्ट एंड द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर। हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, और हमारा रूल कहता है कि जो सब्जेक्ट का नंबर है वही वर्ब का नंबर होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे देखो, द डॉग लिव्स इन द पार्क। डॉग एक है सिंगुलर सब्जेक्ट, लिव्स सिंगुलर वर्ब। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ अ सेंटेंस इन प्लूरल, अगर सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर प्लूरल में होता है तो द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल में होती है। द डॉग्स लिव इन द पार्क। डॉग्स प्लूरल, लिव प्लूरल वर्ब इन द पार्क। यू ऑलवेज हैज अ प्लूरल वर्ब। जो यू है उसकी हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, जैसे कि यू आर इंटेलिजेंट। यू के साथ हमेशा जो वर्ब लगेगी वो आर लगेगी। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो, लेट अस रीड मोर एग्जाम्पल टू सी हाउ वर्ब्स चेंज फॉर्म टू एग्री विद द सब्जेक्ट। कैसे वर्ब फॉर्म चेंज करती है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ब। द बेबी ड्रिंक्स मिल्क, प्लूरल में द बेबीज ड्रिंक मिल्क। साड़ी, साड़ीज। हिज किस में चेंज हो गया? आर में। टेलर, टेलर्स में चेंज हो गया। स्टिचेस, स्टिच में चेंज हो गया। लेडी, लेडीज हो गया प्लूरल में। सिंग्स, सिंग में चेंज हो गया। आर्टिस्ट, प्लूरल में आर्टिस्ट बन गया। पेंट्स, पेंट में हो गया। बेबी, बेबीज हो गया प्लूरल। और क्राइज, क्राई में हो गया। क्लियर है? अब देखो, द वर्ब बी हैज़ मैनी फॉर्म्स। जो वर्ब बी है उसकी कई फॉर्म्स होती हैं। सिंगुलर में होता है आई के साथ एम और वॉज, यू के साथ आर और व, ही शीट के साथ इज और वॉज। प्लूरल में होता है वी के साथ आर वर, यू के साथ आर वर, दे के साथ आर एंड वर। क्लियर? जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हमें इज एम आर से। आई एम वानी शर्मा, शी इज एन इनोसेंट गर्ल। आई सिंगुलर, एम सिंगुलर, शी सिंगुलर, इज सिंगुलर। अवर नेबर्स, नेबर्स में देखो प्लूरल है तो यहाँ पे भी आर प्लूरल आया। वी प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है। गोल्ड, गोल्ड सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर में आया इज। द वर्ब हैव ऑल्सो मैनी फॉर्म्स। वर्ब जो हैव है उसकी भी कई फॉर्म्स होती है। अब देखो, आई के साथ सिंगुलर में हैव, यू के साथ सिंगुलर में हैव, ही शीट के साथ हैज, प्लूरल में वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, दे के साथ हैव। सिंगुलर में ही शीट के साथ हैज है और सबके साथ क्या है बेटा? ये हैव। क्लियर है? नेक्स्ट है, जो हमारी वर्ब होती है डू, उसकी फॉर्म्स कितनी होती है? आई के साथ सिंगुलर डू, यू सिंगुलर वर्ब डू सिंगुलर, ही शी इट सिंगुलर डू सिंगुलर, वी प्लूरल डू प्लूरल, यू डू दे डू। ये चेंज नहीं होती, ये इसमें भी डू रहती है, इसमें भी, बस ही शी इट के साथ क्या बन जाती है? ये डस हो जाती है। क्लियर है? अगर इसमें कहीं भी फिर भी आपको डाउट हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना। जैसे लेट्स रिवाइज, नाउन क्या कह रहा है और वर्ब और प्रोनाउन। नाउन, वर्ब और प्रोनाउन तीनों ही क्या कहते हैं कि हम तीनों एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं। अगर नाउन एक है तो वर्ब भी एक होगी, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी और प्रोनाउन भी प्लूरल यूज़ होगा। थैंक यू बेटा।